अलग अलग जगहों पर आपने अलग अलग टेस्ट का डोसा तो खाया ही होगा, पर क्या आपने घी में बना हुआ डोसा खाया है? अगर आप घी में बने हुए डोसे खाने की इच्छा रखते हैं तो मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित मोहन जी की दुकान पर जरूर आएं। यहां आपको शुद्ध घी में बना हुआ डोसा मिलेगा। जी हाँ, मुजफ्फरपुर शहर में मोहन जी की दुकान काफी प्रसिद्ध है। इस दुकान को चलाने वाले मोहन जी अपने परिवार के साथ 40 साल पहले मुजफ्फरपुर आए थे, तभी उन्होंने डोसे की दुकान को शुरू किया। मोहन जी कहते हैं कि केरल का होने के कारण उन लोगों को डोसा बनाने की कला विरासत में मिली है। मोहन कुमार बताते हैं कि उनकी दुकान का डोसा बहुत मशहूर है। इसके पीछे का कारण यह है कि डोसा बनाने में वह अच्छी क्वालिटी का चावल और उड़द का इस्तेमाल करते हैं, इस कारण उनकी दुकान का डोसा बेहद प्रसिद्ध है। उनकी दुकान पर 60 रुपया का मसाला डोसा मिलता है। मोहन जी, कहाँ पे आपकी दुकान है? कितने साल से, कितनी पुरानी आपकी ये दुकान है? ये तो 40 साल पुराना है। 40 साल पुराना दुकान है। कब से आपने शुरुआत की, कैसे आपको आइडिया आया कि आपको डोसा बेचना है मुजफ्फरपुर में? तो 1990 में हम आया साउथ से। उसके बाद तो पहले भाई लोग रहते था, उसी के साथ हम यहाँ रहते रहते स्टार्ट किए। साउथ में आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो केरला का है। कैसे तैयार होता है, क्या क्या चीजें हैं जो आपकी डोसा इतनी क्या खासियत है? इसमें खासियत क्या है, चावल उड़दी दाल का गोल है, उसी को सही मटीरियल से बनाता है। इसके बाद अपना आज का ओनर है, उसी पर बनता है। बाकी जगह मिलने वाले डोसा से कैसे अलग है ये मुजफ्फरपुर में? अलग इसमें है कि क्वालिटी एक नंबर चाहिए। चावल का फर्क रहता है, उड़दी दाल का रहता है और इसका बनाने का तरीका। किस किस रेट में उपलब्ध है ये? अभी 60 रुपये है, 70 रुपये है। क्या है 60 रुपये में, क्या है और 75 में क्या है? 60 रुपये में रिफाइन का डोसा मिलेगा, 75 रुपये में घी वाला। जी, लोग कितना पसंद करते हैं आपका डोसा? मेरा डोसा एक बार खाने के बाद दोबारा कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, एक बार खा बाहर वाले लोग भी आते हैं तो आपके डोसा जरूर खाते हैं। अच्छा, कितने डोसा पर प्लेट आप बना देते हैं पर डे? कितने डोसा कस्टमर का ऊपर में कम से कम 60-70 पीस रोज रेगुलर तैयार करते हैं दुकानदारी के ऊपर में।